परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्या रहता है? क्या स्पेलिंग होती है परम्यूटेशन की? TATIUN। एंड कॉम्बिनेशन की क्या रहती है? कॉम्बिनेशन, NATIUN। ठीक है ना? तो अभी स्टेप बाय स्टेप अपन चलेंगे, मैथमेटिकली बहुत ढंग से जाएंगे। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर बहुत ज़्यादा एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट तो नहीं है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी इससे, प्रोबेबिलिटी में हेल्प मिलती है, वेटेज भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन सीखना है थोड़ा बहुत। ठीक है ना? तो सबसे पहले इस टॉपिक को वेरी बिगनिंग से स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक वर्ड ध्यान रखना है, वो ये कि परम्यूटेशन, अगर मैं इस वर्ड मीनिंग पे परम्यूटेशन पे जाऊं, परम्यूटेशन अगर वर्ड मीनिंग पे जाऊं, बाई चांस आप अगर डिक्शनरी देखें, मैथ्स के स्टूडेंट नहीं है, इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, और डिक्शनरी में जाके परम्यूटेशन को देखें और कॉम्बिनेशन को देखें, तो आपको ये समझ में आएगा कि परम्यूटेशन इज नथिंग ओनली द सिनोनिम ऑफ अरेंजमेंट्स, मतलब, एंड कॉम्बिनेशन इज नथिंग ओनली द सिनोनिम ऑफ सिलेक्शंस। ठीक है ना? मतलब नंबर ऑफ सिलेक्शंस कॉम्बिनेशन का सिनोनिम में, एंड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स किसका सिनोनिम में? परम्यूटेशन का। बात समझ में आ रही है ना? जनरली परम्यूटेशन ज्यादा होगा क्योंकि आपको चार में से दो को सिलेक्ट करना है और दो को लाइन में अरेंज करना है, तो इसका मतलब क्या, एक आगे आ सकता है, एक पीछे आ सकता है, तो सिलेक्शन कम होते हैं और अरेंजमेंट्स ज्यादा होते हैं, क्यों? अरेंजमेंट में क्या होता है, सिलेक्शन प्लस मतलब सीक्वेंस भी इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना? तो ये आप बस अभी नोट करिए कि परम्यूटेशन इज जस्ट इक्विवेलेंट टू अरेंजमेंट्स एंड कॉम्बिनेशन इज जस्ट इक्विवेलेंट टू सिलेक्शंस। इसके बाद अपन जीरो से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे करके आगे अपन अप्रोच करेंगे इसमें। परम्यूटेशन इज नथिंग ओनली द सिनोनिम ऑफ, इंग्लिश वर्ड मीनिंग की बात मैं कर रहा हूं, ओनली द सिनोनिम ऑफ अरेंजमेंट्स। कॉम्बिनेशन इज नथिंग ओनली द सिनोनिम ऑफ सिलेक्शंस। ठीक है ना? एक इसमें एक सिंबल यूज होता है, लगातार यूज होगा, फैक्टोरियल, लाइक दैट फैक्टोरियल आर इज नथिंग, इट इज डिफाइंड फॉर इंटीजर्स लाइक 1, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, 3, 4 कंटिन्यूस इंटीजर्स का प्रोडक्ट अगर मैं करता हूं आर तक, तो इसे मैं क्या कहूंगा, फैक्टोरियल आर। बात समझ में आ गई ना? कई बार इसे बुक्स में ऐसे भी रिप्रेजेंटेड होता है। तो फैक्टोरियल एन का मतलब क्या है? कंटिन्यूस प्रोडक्ट फ्रॉम 1 to डॉट 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 n-1 n। प्रोडक्ट के लिए एक और साइन यूज होता है, वो पाई का, तो फैक्टोरियल एन को हम ऐसे लिख सकते हैं, पाई ऑफ आर, आर इक्वल टू 1 to n, मतलब इट इज नथिंग लाइक दैट फैक्टोरियल एन इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 अप टू एन, इन सभी का प्रोडक्ट। मतलब जस्ट एक सिंबल है और शॉर्ट में हम लिख पाएं, बड़े बड़े आंसर्स हैं उनको शॉर्ट में लिख पाएं, उसके लिए ये यूज होगा, समझ गए? या कोई हम रिजल्ट डेवलप कर रहे हैं तो रिजल्ट्स को आसानी से याद करने के लिए इसे हम यूज कर सकते हैं, समझ गए? ठीक है ना? अब हम शुरू करते हैं इसका जो कोर है टॉपिक, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कंसेप्ट थ्योरम्स, इन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। ठीक है ना? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग, तो इसको बहुत ध्यान से समझना, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग, एपॉक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग, मतलब
अगर ये समझ में सही तरह से आ जाए तो 90% PNC समझ में आ गया। और इसमें दिक्कत है, इसी के मेनली इसी के एप्लीकेशन पार्ट पे हमें बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि जैसे जैसे ये क्लियर होता जाएगा वैसे वैसे बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी, ठीक है ना। तो मैं सब फोकस कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। ये दो रूल होते हैं, सम रूल एंड प्रोडक्ट रूल, मतलब प्रोडक्ट रूल फॉर काउंटिंग एंड सम रूल फॉर काउंटिंग, ठीक है कि नहीं। मतलब मेनली दो ही रूल है हमारे पास, प्रोडक्ट रूल या मल्टीप्लीकेशन रूल और सम रूल या एडिशन रूल, समझ गए। अब बहुत ध्यान से देखना, इनके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले आप ऐसे मान के चलिए कि यू आर एट द प्लेस, इसको समझिए, अंडरस्टैंड करिए, फिर मैं समझाऊंगा आपको बाद में, मतलब नोट बाद में कराऊंगा। आप ऐसे मान के चलिए कि अगर हमारे पास क्या है, लेट ये प्लेस है, वी आर एट दिस प्लेस नेम्ड एज P1, ठीक है ना। अब उन लोग यहां बैठे हैं, ये P1 है, एंड लेट एक और प्लेस है P2 है, ठीक है ना। इट मे बी योर कोचिंग सेंटर लाइक, एंड ये स्टेशन हो सकता है या और कोई हो सकती है, नोन जगह हो सकती है। स्टेशन इसलिए क्योंकि अच्छा शहर है तो स्टेशन जरूर होगा आपको। और दूसरी जगह आपने ले लिया कि पता चला कि ताजमहल ले लिया, तो ताजमहल तो भाई आगरा में ही होना है, तो जरूर नहीं है कि आप आगरा तक जाएं या उसके बात करें। और लेट ये एक और प्लेस है P3 है, ठीक है ना। तीन प्लेस है मेरे पास, बहुत ढंग से समझना। एक कोई पर्सन है, उसे बहुत ज्यादा नोन नहीं है शहर के बारे में, उसे P1 से P2 तक जाने में दो रास्ते मालूम है, यू नो टू वेज, मतलब एक और ये दूसरा, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। और P2 से P3 तक जाने के लिए भाई थोड़ा सा स्टेशन जाने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, लेट P3 बी द स्टेशन, तो यहां तक जाने के उसके पास तीन रास्ते उसे मालूम है, वन और टू और थ्री, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल समझ में आने का मतलब है आपको प्रोडक्ट रूल एज वेल एज सम रूल बोथ ढंग से समझ में आ गए, बहुत ढंग से देखना। इफ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आप ये चाहते हैं कि पर्सन P2 से होके P3 तक जाए, पर्सन क्या करे, P2 से होके P3 तक जाए, अगर कोई पर्सन P2 से होके P3 तक जाएगा तो उसके पास कितने तरीके होंगे, बहुत ढंग से समझना। अगर पर्सन चाहता है कि वो P2 से होकर P3 तक जाए, ठीक है ना, मतलब P2 को टच करके यहां पर किसी से मिलके फिर P3 तक जाए, बात समझ में आ रही है, मतलब कोई वेट कर रहा है P2 पे उसका, तो P1 से P2 तक जाए फिर उसको कलेक्ट करके P3 तक जाए, ठीक है ना, कलेक्ट करके नहीं पिक करके, अगर वेट कर रहा है तो पिक करके जाए। ध्यान से देखिए कि अगर मेरे पास, तो इसका मतलब क्या है, वो P2 पर भी जाए और P3 पर भी जाए, तो उसके पास कितने तरीके हो गए, हाउ मेनी वेज, मतलब कितने तरीके उसके पास हो चुके हैं अभी तक, ढंग से देखना, वन 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 टू वन थ्री, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना, टू वन टू टू एंड टू थ्री। तो अगर पर्सन ऐसा सोचता है कि वो P2 से होकर P3 तक जाए, तो हाउ मेनी वेज ही हैज, मतलब उसके पास नंबर ऑफ तरीके कितने हैं, सिक्स, बात समझ में आ गई ना, है ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना। और दूसरा तरीका, दूसरी बात यह है कि ढंग से सुनना, यहां पर जो आदमी खड़ा है, लेट जिसको पिक करना है उसे, ये ए है और ये बी है, दूसरा ये, या तो ए P2 तक जाए या
बी P3 तक जाए, तो इसके कितने तरीके होंगे? या तो मतलब इसमें तो क्या हुआ, ए बी को पिक करके P3 तक गया, तो कितने तरीके हो गए? सिक्स, गॉट इट? है, अब मेरे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि या तो ए P2 तक जाए, ठीक है ना, या बी P3 तक जाए, तो इसके कितने तरीके होंगे? ओनली फाइव, 2 + 3 दैट इज 5, दो यहां से हो जाएंगे, या तो वन मतलब 5 ही होंगे, बात समझ? एट वन टाइम एक ही हैपेंड हो रहा है ना, ठीक है कि नहीं, ये बात समझ में आई है? इसको थोड़ा सा बना लो, नोट कर लो। बहुत जनरल, बहुत ज्यादा वर्ड्स की यूज होती है, धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी, प्रॉब्लम्स लेंगे तब आपके समझ में आएगा। याद करना, वर्ड्स को समझना, याद करना काफी आसान है, दोनों रूल को जनरली सभी याद कर लेते हैं। ये बात समझ में आ गई ना? है ढंग से? अब लिखिए जरा, एक ही बार में दोनों रूल में बता रहा हूं, ढंग से लिखना। इफ देर आर एम वेज ऑफ डूइंग वन जॉब, इफ देर आर एम वेज ऑफ डूइंग वन जॉब एंड एन वेज ऑफ डूइंग सेकेंड जॉब, एम वेज ऑफ डूइंग सेकेंड जॉब, देन नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग बोथ द जॉब्स साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ दोनों चीजें होनी चाहिए, नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग बोथ जॉब साइमल्टेनियसली, एम प्लस वन, एम इंटू एन, एम इंटू एन, एंड नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग वन ऑफ द टू जॉब। वन फ्रॉम द टू जॉब इक्वल टू नंबर ऑफ डूइंग, ऐसे लिखो, आइदर ऑफ द जॉब, नंबर ऑफ डूइंग आइदर ऑफ द जॉब इक्वल टू एम प्लस एन। सम रूल खत्म हो गया, प्रोडक्ट रूल खत्म हो गया, पी एंड सी के कंसेप्ट खत्म हो गए, इसके अलावा कुछ होता नहीं है। कंसेप्ट अब इसी को डेप्थ में समझते जाना है, प्रैक्टिस से आता जाएगा। मैंने अभी सबसे पहले एग्जाम्पल इसलिए बताया, ज्यादा एग्जाम्पल पर फोकस नहीं करना है, वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम भी क्या अपने आप में एग्जाम्पल ही है, बहुत सारी प्रॉब्लम लेंगे, लेकिन आपको ये समझना है जो कोर बात क्या है, यही समझ में नहीं आती है। अगर दो काम है, दोनों काम एक साथ किए जा रहे हैं, मतलब साइमल्टेनियसली, तो उसके कितने तरीके होंगे? एम इंटू एन, और उनमें से कोई एक ही किया जा रहा है लेकिन दोनों ऑप्शन दो में, तो हमारे पास कितने तरीके होंगे? एम प्लस एन, लाइक दैट। इट इज द परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर दिस। यहां से दो, यहां से तीन, दोनों यहां से होते हुए यहां जा रहा है, दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, दैट्स वाई सिक्स, 2 × 3 सिक्स, एंड आइदर ऑफ द वन मतलब उनमें से कोई एक को करने के तरीके कितने हैं? 2 + 3 दैट इज 5, गॉट इट? बात समझ में आ गई ना? इट इज वेरी जनरल वन। इफ देर आर एम एन वन वेज ऑफ डूइंग वन थिंग जॉब एंड एन टू वेज ऑफ डूइंग सेकेंड जॉब एन थ्री वेज ऑफ डूइंग थर्ड जॉब, देन ऑल थ्री जॉब कैन बी डन साइमल्टेनियसली बाई एम एन वन इंटू एन टू इंटू एन थ्री, गॉट इट? सिमिलरली आइदर ऑफ द वन जॉब नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग आइदर ऑफ द वन जॉब आउट ऑफ थ्री, देन नंबर ऑफ वेज इक्वल टू एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री। बात समझ में आ गई है? ठीक है कि नहीं, ये सही तरह समझ में आ गया है? मतलब एग्जाम्पल लेने से अच्छा है, बार बार इस पर स्ट्रेस देने से अच्छा है, बहुत एलिमेंट्री प्रॉब्लम लें और इसको अंडरस्टैंड करें हम, ठीक है ना? लिखिए रहा प्रॉब्लम।
बहुत आसान आसान सी प्रॉब्लम लेंगे, लेकिन इसमें टफ होता ही नहीं है कुछ, लेकिन अंडरस्टैंडेबल है। अगर अंडरस्टैंड कर लेते हैं चीजों को, सिचुएशन को, तो आप सही कर पाएंगे, और अगर अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं और ज्यादा कुछ लॉजिक नहीं लगाना, क्लियर कट जो तरीका आपको बताए जा रहे हैं उनको सीखना है और अप्लाई करना है। लिखिए रहा प्रॉब्लम, ये लिखिए, अ बिग हॉल हैज सेवन डोर्स अ बिग हॉल हैज सेवन डोर्स इन हाउ मेनी वेज इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन एंटर द हॉल कैन अ पर्सन एंटर द हॉल कैन अ पर्सन एंटर द हॉल थ्रू वन डोर एंड कम आउट थ्रू द डिफरेंट डोर एंड कम आउट थ्रू द डिफरेंट डोर। बहुत ध्यान से समझिए भाई, पिक्चर हॉल की बात हो सकती है, इतने सारे डोर और किसमें होंगे? मूवी है? क्या लग रहा है, कुछ समझ आ रहे हैं? ध्यान से देखिए, ये मेरे पास आदमी है, ध्यान से सुनना। अब ये मेरे पास सेवन डिफरेंट हॉल है, मतलब डोर हैं। तो कंडीशन मेरे पास क्या गिवन है कि जिस डोर से घुसा, ठीक है ना, जिस डोर से एंटर किया, उसके अलावा किसी भी डोर से बाहर आएगा। मतलब तो एंटर अगर रेड से कर रहा है तो बाहर आने के लिए ग्रीन है। बात समझ में आ रही है ना? तो मेरे पास दो तरह की चीजें हुई, जॉब्स क्या हुए, दो तरह की इवेंट्स हुई। बहुत ढंग से सुनना, समझ समझो, अंडरस्टैंड करो। आंसर निकालना बड़ी बात नहीं होती, इसमें अंडरस्टैंड करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ढंग से देखना, मतलब मेरे पास दो जॉब्स हैं या दो इवेंट्स हैं, वो क्या हुई, एंटर करना और बाहर निकलना। बात समझ में आ रही है ना? अब एंटर करने के लिए मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, मतलब आइदर 1 2 3 4 6 7, एंटर करने के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, सेवन। लेकिन जैसे ही, और आउटकम के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, मतलब इससे नहीं बाहर आएगा अगर इससे घुसा है तो। आउटकम के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, सिक्स। लेकिन ये दोनों चीजें कैसे हो रही हैं, एंटर भी कर रहा है और बाहर भी निकल रहा है, तो बोथ द थिंग्स आर डन साइमल्टेनियसली। तो ये प्रॉब्लम किसकी है, प्रोडक्ट रूल की। मतलब एक डिफरेंट डोर से जाए और एक एक डोर से जाए और उसके अलावा किसी भी डोर से बाहर निकल पाए, तो ये दोनों चीजें कितने तरीके से हो सकती है साइमल्टेनियसली। मतलब ढंग से समझना, अगर मैं ये कंडीशन नहीं लगाता, किसी भी डोर से जाए और किसी भी डोर से आए, उससे भी वापस आ सकता है, तो मेरे पास क्या होता, 7 × 7। लेकिन मेरे पास कंडीशन ये अप्लाइड है कि जिस डोर से गया है उस डोर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। दैट्स वाई आउटकम, बाहर निकलने के लिए मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, बाहर जाने के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, सिक्स करस्पॉन्डिंग टू वन, और अंदर जाने के लिए कितनी है, सेवन फॉर वन। तो दैट्स वाई टोटल कितने तरीके आ गए मेरे पास है, 42। समझ गए, समझे कि नहीं? नेक्स्ट लिखिए, ये लिखो, फोर फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स आर गिविन, फोर फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स आर गिविन, फोर फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स आर गिविन,
हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ वन सिग्नल, इफ वन सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ टू फ्लैग्स वन बिलो द अदर, वन बिलो द अदर रिक्वायर्स टू फ्लैग्स वन बिलो द अदर. क्या आ सकता है? बहुत ढंग से करो तो क्यों नहीं लगाओ? ये क्या कर रहे हो यार? ढंग से देखो, एक सिग्नल कैसे बन रहा है? एक सिग्नल में कितने फ्लैग यूज हो रहे हैं? दो. एक ऊपर है, एक पोजीशन क्या है? दो पोजीशंस हैं, एक ऊपर की और एक नीचे की, एक ये और एक ये. ठीक है कि नहीं? बात समझ में आ गई ना? अब ये बात है कि डिफरेंट रिक्वायर्स क्या है, डिफरेंट है कि सेम है? मतलब इफ अ सिग्नल रिक्वायर्स यूज ऑफ टू फ्लैग्स, तो ये रिपीटेड तो होता नहीं, ये तो फोर डिफरेंट है ना? डिफरेंट ही होगा मतलब, क्योंकि एक फ्लैग, चार ही तो फ्लैग हैं, उन्हीं में से तो दो यूज करने हैं. बात समझ में आ रही है कि नहीं? रिपीटेड रिपीटेड नहीं दिया हो कि फ्लैग को हम दोबारा दोबारा यूज कर सकते हैं, एक जगह लगाओगे तो दूसरी जगह कैसे लगाओगे? तो दो है ही नहीं ना अपने पास, ये चारों डिफरेंट है ना? बात समझ में आ रही है कि नहीं? नहीं आई बात समझ में? ये चारों डिफरेंट फ्लैग हैं, इनमें से दो लगाने हैं, तो निश्चित तौर पर दोनों कैसे लगेंगे? डिफरेंट लगेंगे. तो इस पोजीशन के लिए कितने फ्लैग आ सकते हैं? फोर. इस पोजीशन के लिए कितने फ्लैग आ सकते हैं? थ्री. एक यहां पर यूज हो जाएगा तो तीन ही तो बचेंगे. बात समझ में आ रही है ना? और ये जैसे ही दो पोजीशंस बढ़ती हैं, वैसे ही हमारा क्या हो गया? सिग्नल तैयार हो गया. समझ आया कि नहीं? तो कितने डिफरेंट सिग्नल्स पॉसिबल हो सकते हैं? है? 4 इंटू थ्री दैट इज 12. नोट कर लो. सिग्नल कैसे बन रहा है? दो पोजीशंस पे फ्लैग रखने से सिग्नल बन रहा है. चार फ्लैग है हमारे पास, चारों डिफरेंट है, तो एक पोजीशन कितने तरीके से बढ़ जाएगा? एक से एक पोजीशन कितने तरीके से बढ़ जाएगी? चार और दूसरी तीन. खत्म. समझ गए ना? समझ गए ना? समझे कि नहीं? नेक्स्ट लिखिए. फाइंड द नंबर ऑफ फोर लेटर वर्ड्स, फाइंड द नंबर ऑफ फोर लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, with or without meaning, which can be formed which can be formed using the letters A B C D. इट इज अ वेरी सिंपल वन. मीनिंग पे ध्यान नहीं देना, डिक्शनरी की बात नहीं करनी है. और कितने बनेंगे? चार पोजीशन है, फर्स्ट के लिए कितने? चारों डिफरेंट है, तो कोई दिक्कत है नहीं. फर्स्ट के लिए फोर, सेकंड के लिए थ्री, और थर्ड के लिए टू, और फर्स्ट के फोर्थ के लिए वन. एंड ऑल फोर हैपेंड साइमल्टेनियसली. अगर रिपीटेशन नॉट अलाउडेड हमें दिया है वर्ड्स का, तो रिपीट नहीं करेंगे.
नहीं तो नहीं दिया तो भी यही मानेंगे करेंगे, मतलब वैसे लिखा होना चाहिए लेकिन कई बार नहीं भी लिखा होता है, और रिपीटेशन अलाउडेड है ये स्पेशली मेंशन किया जाता है तो नहीं माना जाता है जनरली, ठीक है ना। लेकिन ऑप्शन ही नहीं है वैसे कोई, तो मान सकते हैं आप, लिख लो इसमें रिपीटेशन इज नॉट अलाउडेड। आंसर कितना आ गया है? 24। चलो कोई बात नहीं, ये समझ आ गए। नेक्स्ट लिखिए। ये लिखो, नेक्स्ट लिखिए, हाउ मेनी वर्ड्स हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, विद और विदाउट मीनिंग ऑफ थ्री डिस्टिंक्ट लेटर्स थ्री डिस्टिंक्ट लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर पॉसिबल, ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर पॉसिबल। तो वर्ड मीनिंग ज्यादा होते नहीं है डिक्शनरी में, मतलब इंग्लिश वर्ड में। जल्दी करिए, तीन के दोनों केस में करिए, रिपीटेशन इज अलाउडेड और रिपीटेशन इज नॉट अलाउडेड। ध्यान से देखिए, फर्स्ट पोजीशन के लिए क्या पॉसिबल है? 20, मतलब एक को हम 26 से, दूसरे के लो 25 और थर्ड को 24, ये साइमल्टेनियसली होंगे, इनका प्रोडक्ट देखो। ये आंसर तब आएगा जब मेरे पास रिपीटेशन अलाउडेड नहीं है, बात समझ में आ रही है ना। और जब मेरे पास रिपीटेशन अलाउडेड है तो कितना आ जाएगा? 26 इंटू 26 इंटू 26, ठीक है ना, कर लो। समझ आ गया? नहीं, नेक्स्ट लिखिए। फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ आंसरिंग, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ आंसरिंग फाइव ऑब्जेक्टिव टाइप, फाइव ऑब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम्स, फाइव ऑब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम्स, ईच क्वेश्चन हैज फोर चॉइसेस, ईच क्वेश्चन हैज फोर चॉइसेस। और ढंग से करना, ध्यान से देखिए, पहले क्वेश्चन के कितने तरीके से हो सकता है? चार, तो ये लग तो रहा है पता नहीं कैसा अजीब सा, लेकिन आसानी है। दूसरा भी चार, तीसरा भी चार,
चौथा भी चार और पांचवा भी चार, और ये साइमल्टेनियसली होंगे तो पांचवा होंगे, जिसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा, देखो कितनी आती है इसकी वैल्यू, वैल्यू भी निकाल लो जल्दी से कितनी आ रही है। है? हाँ आ सकती है, लेकिन ये समझ आ गया। नेक्स्ट लिखिए, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1, 2, 3, 4। मतलब थ्री, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउडेड, वैसे अंडरस्टूड भी है, ऐसे ही लेना है हमें। ढंग से करिए, थ्री डिजिट नंबर ले रहे हैं तो पहले डिजिट के लिए कितना पॉसिबिलिटीज है, फोर, सेकंड के लिए थ्री, थर्ड के लिए टू, आंसर कितना आ जाएगा 24। समझ गए ना? नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखो, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड How many three digit numbers can be formed without using the digits 0, 1, 2, 5, 7, 9। देखिए यार, इसमें क्या है, अंडरस्टूड ये, इनको यूज नहीं करना है, तो इसके तो इसका मतलब क्या है कि जो बाकी बची कौन कौन सी बची, 3, 4, 6, 8, तो उसे एक बार यूज करो, चाहे दो बार यूज करो, चाहे तीन बार यूज करो, जो अंडरस्टूड ये, इन्हें यूज नहीं करना है, कंडीशन ये दी है, तो आंसर क्या आएगा, फर्स्ट के लिए थ्री डिजिट है, फर्स्ट के लिए भी पॉसिबिलिटी क्या होंगी, फोर, सेकेंड के लिए भी फोर और थर्ड के लिए भी फोर। समझ गए ना कितना आएगा आंसर, 4Q। टेंशन नोट कर लीजिए, इनको यूज नहीं करना है, इसका मतलब बाकी को यूज एक बार भी कर सकते हैं, दो को भी, दो बार भी कर सकते हैं, तीन बार भी कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है, मतलब अंडरस्टूड है कि बाकी जो डिजिट्स हैं वो क्या हैं, उनमें रिपीटेशन इज अलाउडेड। बात समझ में आ गई नहीं? नेक्स्ट लिखिए, अ जेंटलमैन हैज सिक्स फ्रेंड टू इन्वाइट, अ जेंटलमैन हैज सिक्स फ्रेंड्स टू इन्वाइट, अ जेंटलमैन हैज सिक्स फ्रेंड्स टू इन्वाइट, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज कैन ही सेंड इन्विटेशन cards to them if he has three servants to carry the cards,
ढंग से करना। है क्या 6 कहां से आएगा यार? है कार्ड कोई अलग तो होंगे नहीं, शादी ब्याह के कार्ड एक जैसे छपते हैं ऐसा तो है नहीं, कुछ दोस्तों को अलग कुछ दोस्तों को अलग, एक ही जैसे कार्ड हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो इसे कितने लोगों को भेजने हैं? 6 लोगों को भेजना है, 2 3 4 5 6। तो बस तरीका क्या आया इसके पास? डिफरेंट इसको भेजने के कितने तरीके हो सकते हैं? कार्ड कार्ड तो डिफरेंट है नहीं, कार्ड तो सेम ही है। तो 3 नौकर हैं उसके, राम श्याम मोहन, तो इसको अलग क्या लगेगा? या तो राम देने आए या श्याम देने आए या मोहन देने आए। बात समझ में आ रही है ना? तो एक के लिए कितने हो गए? 3 पॉसिबिलिटी, इसके लिए भी 3, इसके लिए भी 3, इसके लिए भी 3, इसके लिए भी 3, इसके लिए भी 3। नौकर हैं, सब सब जगह एक ही को भेज सकता है, बात मानते हैं, सब जगह अलग अलग भेज सकता है, वो मूड के ऊपर है मालिक के। इसका मतलब क्या है कि कार्ड कितने तरीके से पहुंच सकते हैं, उन मतलब उनके डिस्टिंक कितने हो सकते हैं पॉसिबिलिटीज है? 3 की पावर 6। गॉट इट? बात समझ में आ गई? नहीं है ढंग से समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट लिखें। ये इतना ही बहुत है, यहां तक कोई डाउट? ढंग से समझ रहे हो? मैंने आप लोगों को अभी तक कुछ भी नहीं बताया है, वेरी सिंपल एक प्रोडक्ट रूल और क्या बताया, सम रूल। अगर देर आर एम वेज ऑफ डूइंग वन थिंग एंड एन वेज ऑफ डूइंग सेकेंड थिंग, देन बोथ द नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग बोथ द थिंग्स साइमल्टेनियसली इज इक्वल टू एम इन टू एन, एंड नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग आइदर ऑफ द थिंग इज एम प्लस एन। ठीक है कि नहीं? इसके अलावा फैक्टोरियल बताया और कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, समझ गए ना? चलो ठीक।